तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। अध्याय 5 श्री गुरु महाराज जी के समय देशकाल और वातावरण। श्री गुरु महाराज जी के समय देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय विद्या अविद्या और ज्ञान अज्ञान बन गया था। इसलिए ज्ञानी सुख को त्याग दुख के सरोवर के किनारे खड़ा हो गया था। आज का मनुष्य भले ही विज्ञान की चकाचौंध में कुछ क्षण को सुख अनुभव कर ले, परंतु वास्तव में वह दुख के उस किनारे पर खड़ा हुआ है जहाँ से सुख नाम की कोई छाया भी नज़र नहीं आती। यह दुख सब मृत तृष्णा के सुख हैं। हम उन्हें भले ही ना जाने, परंतु संतजन जानते हैं, इसीलिए उनसे बचने का उपदेश देते हैं और समय का धर्म बताते हैं। तुम कहोगे धर्म क्यों जाता है, पर वास्तविकता यह है कि धर्म नहीं बदलता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपितु हमारे ही विचार धीरे धीरे मलिन होते जाते हैं और धर्म का मर्म जानने में असमर्थ होते जाते हैं। परम पूज्य पंडित जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी जैसे संत प्राय 100 वर्ष बाद कभी कभी दुखियों के दुख दूर करने के लिए आते हैं। जब देश में चारों तरफ हाहाकार और प्रजा पर दुखों के पहाड़ टूटते हैं और उन दुखों को प्रजा तो क्या राजा भी अक्षम हो जाता है, तब बीच बीच में भी इनकी कृपा होती रहती है। आज का समय भी ऐसा ही है, इसीलिए ऐसे संतों के दर्शन प्राय बराबर होते रहते हैं। गुलामी का समय था, देश महान संकटों में घिरा था, परतंत्रता में कितना कष्ट था, वह तो स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लेने से पता चला होगा। हमें क्या पता परतंत्रता क्या होती है, हमने तो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, इसीलिए हमारी डिमांड ज़्यादा है। पर कभी यह नहीं सोचा होगा कि हमने देश को क्या दिया है जो इतनी डिमांड किए हुए हैं। एक बार उस परतंत्रता को याद कर लेते तो आज इतनी डिमांड नहीं होती। उस समय ना अपना धर्म था ना ईमान, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों का मुंह तकना पड़ता था। जो देश कभी सोने की चिड़िया था उसे लुटेरों ने तब तक लूटा जब तक देश में दरिद्रता और बदहाली नहीं हो गई, और बदहाली भी उस स्तर पर पहुंच गई जहां लोग वस्त्र विहीन, अन्न विहीन और तो और सोच विहीन भी हो गए थे। तब देश की इस दर्दनाक और भयानक संकट से मुक्त कराने के लिए कई संत महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए जन्म लिए। संत महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी संभवतः एक ही लोक के प्राणी रहे होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो यातनाएं झेली उनको सहन करने की शक्ति इन्हीं संत महापुरुषों से प्राप्त हुआ करती थी। उस समय संतों ने देखा कि देश की प्रजा तो विवेक शून्य हो चुकी है, इसे फिर कैसे जागृत किया जाए जिससे वह अपने को हेय न समझें और अपनी शक्तियों को पहचान सकें। इसके लिए संतों ने प्रजा को अंतर की प्रेरणा देना शुरू कर दिया जिससे वह स्वावलंबी बनकर अपना और देश का कल्याण कर सके। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वह दूसरों के दुखों को देखकर बहुत ही जल्दी पिघल जाता है और अंतर ही अंतर में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो इन दुखों से सबको मुक्त करूंगा या आजीवन मैं भी
इन दुखों में ही झुलसता रहूंगा। इसी परतंत्रता के समय देश में हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी श्री डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी एक दिव्य आत्मा नर शरीर धारण कर इस धरा पर आए। परतंत्रता के दौर में प्राणियों के दुखी दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा उमर आई। तब श्री गुरु महाराज जी ने मन ही मन ठान लिया, मैं इन मनुष्यों के आंतरिक बंधनों से मुक्त कर शांति प्रदान करूंगा। श्री गुरु महाराज जी कहा करते थे कि पहले तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, उसके शुद्ध होते ही तुम्हें उज्जवल ज्ञान मिलेगा, जिसके प्रकाश में तुम अपने दुखों को जानोगे और उनसे छूटने का प्रबंध भी स्वयं कर सकोगे। इसके लिए नित्य कुछ देर प्रभु की समीपता करो, 10 मिनट भगवान के सामने बैठकर उनसे शक्ति प्राप्त करो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, स्वयं शक्तिवान नहीं बन पाओगे। शक्ति मिलते ही तुम में निर्भयता आएगी, जिससे अत्याचारों से स्वयं बच सकोगे और दूसरों को भी बचा सकोगे। श्री गुरु महाराज जी ने बताया कि साधारण मनुष्य में सीमित ज्ञान है और सीमित ही बल है, इस वजह से वह दूसरों से हार भी सकता है, परंतु भगवान ज्ञान के निधान हैं, वह अनंत बल के धाम हैं। जो कोई उनसे मिलेगा, उनका सहारा लेगा, अनंत बलशाली हो जाएगा और अनंत ज्ञान का भंडार बन जाएगा। इसलिए सब मिलकर कुछ देर प्रभु में विलीन हो जाओ, अपना अस्तित्व प्रभु में विलीन कर दो, फिर देखो कि विश्व में कौन तुम्हारा सामना कर सकता है। इसके साथ यह अध्याय समाप्त। अगला अध्याय सद्गुरु का प्रथम दर्शन, इसके साथ ही हम कुछ दिनों में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।